राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब कौन किसके साथ चला जाए और कौन किसका साथ छोड़ दे, सियासत में इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। यूपी में कांग्रेस बनाम बीजेपी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की चर्चाएं तेज हो रही हैं। क्या बहन जी विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? क्या अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में बीएसपी के शामिल होने पर राजी हो जाएंगे, या बहन जी अकेले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेंगी? बीते कुछ दिन से इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द यूपी की पूरी सियासत सिमट गई है। ताज़ा खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी जिद छोड़ते हुए बसपा को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करने पर हामी भर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश अब तैयार हैं कि बीजेपी को हराने के लिए अगर बसपा भी इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये संकेत इस बात से मिले कि अखिलेश यादव ने मायावती का सम्मान करने की सख्त हिदायत दी है। अखिलेश ने बहन कुमारी मायावती को लेकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि मायावती जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान करना है और उनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करनी है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में बसपा अध्यक्ष मायावती को लाने के लिए तैयार हो गए हैं। बसपा को इंडिया गठबंधन में आने को लेकर अखिलेश ने कहा है कि बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस उनसे बातचीत कर रही है। हालांकि बहन जी कई बार ये साफ कर चुकी हैं कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि बहन जी अपने जन्मदिन यानी 15 जनवरी को बीएसपी के भविष्य और लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। माना जा रहा है कि अपने जन्मदिन पर बहन जी इंडिया अलायंस को लेकर भी कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं, इसलिए सबकी नज़रें 15 जनवरी पर टिकी हुई हैं। ऐसे में बहन जी क्या फैसला लेंगी इस पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बहन जी ने हाल ही में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर ज़बरदस्त हमला किया था। 8 जनवरी को ही आपको याद होगा बसपा अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर ज़बरदस्त हमला किया था। कई ट्वीट किए थे बहन जी ने, एक के बाद एक 5 ट्वीट कर सपा को दलित विरोधी होने के साथ साथ खुद पर हमले की आशंका भी जताई थी। बहन जी ने कहा था कि अखिलेश ने इंडिया गठबंधन में बसपा से दूरी बनाए रखने की शर्त लगा रखी है। उन्होंने जो लिखा था, ट्वीट किए थे, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा था, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ ज़बरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 समेत घिनौने कृत्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी काम किए गए, फैसले लिए गए, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी शामिल है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुँचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहाँ से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास स्थान पर ही करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यतर सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये मांग है। यानी बहन जी ने बहुत तीखी भाषा में अखिलेश यादव पर तंज कसा था, उनके पुराने दलित विरोधी और बसपा विरोधी कामों को भी गिना दिया था, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए हैं। ये माना जा रहा है कि बहन जी ने जितनी सख्ती दिखाई है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके बाद अखिलेश यादव भी बैकफुट पर आ गए हैं, क्योंकि अगर बसपा जो है अकेले चुनाव लड़ती है और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती तो इंडिया गठबंधन के लिए बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी सीटें जो हैं जहाँ बसपा के साथ आने से जो विपक्षी गठबंधन है वो जीत सकता है, बिना बसपा के उनके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव फिर से अपने को या अपनी पार्टी को दलित विरोधी साबित नहीं करना चाहते, इसलिए वो बहन जी को लेकर अब कोई टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं है।
वो सेफ मोड में है, अलर्ट मोड में चल रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों लगातार अखिलेश यादव मायावती जी को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन अब शायद वो अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसी बातें ना बोलूं जिससे समाज में दलित विरोधी होने का, दलित विरोधी पार्टी होने का संदेश जाए, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि बहन जी को लेकर जो दलित समाज है उसमें जो दीवानगी है, जो सम्मान है उनके प्रति, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो वो उन पर भारी पड़ सकता है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अखिलेश यादव इस पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। आप देखें, पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार का जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, बसपा का वोट परसेंटेज कम हुआ। इसके बाद ये नहीं कह सकते कि जो वोट बसपा का थोड़ा कम हुआ है वो सपा को, समाजवादी पार्टी को नहीं गया होगा। आपको जो वोट शेयर में बढ़ोतरी दिख रही है उसमें एक कारण ये भी माना जाता है कि दलित वोट भी शिफ्ट हुए, कुछ लोगों ने उनको वोट किया, लेकिन ऐसे में अगर बहन जी पर इस तरह की बयानबाजी होती है तो वो वोट फिर से छिटक सकते हैं और इससे सपा को, इंडिया अलायंस को नुकसान हो सकता है। इसलिए अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि अखिलेश ने बसपा की इंडिया एंट्री पर लगाया अपना वीटो, यानी बैन हटा लिया है। पहले वो कह रहे थे, जैसे बहन जी ने बोला, कि ये किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो ये शर्त लगा देते हैं कि आप बसपा के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, यानी एक वीटो पावर लगा रखी है, लेकिन अब वो हटा ली है, वो मान गए हैं। उन्होंने कांग्रेस आला कमान तक अपनी बात पहुंचा दी है कि उन्हें बीएसपी के आने से अब कोई दिक्कत नहीं है, यानी अब उनको समझ आ गया कि अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, लड़ना है, साथ मिलकर लड़ना है, तो फिर बसपा को भी यूपी की सियासत में साथ लेकर चलना होगा, वरना फिर से 2019 जैसे नतीजे देखने को पड़ सकते हैं। ऐसे में अब यूपी में गठबंधन की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। बड़ी बात है, अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रास्ता हो जाएगा यूपी का। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं और अगर इंडिया अलायंस में बहन जी चली जाती हैं, गठबंधन में वो चुनाव लड़ती हैं, तो बीजेपी को ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बहन जी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि बहन जी खुद ही कई बार साफ कर चुकी हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी। मीडिया की खबरों को वो हमेशा खारिज करती रही हैं। लेकिन यहां एक बात और भी जरूरी है कि बहन जी ने खुद ही यह बात बोली है, खुद वो इस बात को कह चुकी हैं कि सियासत में कब कौन किसे और किसकी जरूरत किसी को पड़ जाए इसका कुछ पता नहीं होता। बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं है तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए, मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। अब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यूपी में कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है उसके बीच में लोकसभा सीटों को लेकर पहले दौर की बातचीत पूरी हो गई है। दूसरे दौर की बैठक 12 जनवरी को बुलाई गई है। मंगलवार को इस बैठक में दोनों दलों ने अहम सीटों की संख्या को लेकर चर्चा की कि कौन सी सीट किसको मिल सकती है, और अब दोनों दलों के नेता अपने अपने आलाकमान को इसकी रिपोर्ट देंगे। वहां से जो भी संकेत मिलेगा उस पर 12 जनवरी को अंतिम फैसला लिया जाएगा, ये अभी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। ऐसे में अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में आती हैं तो सीट शेयरिंग को लेकर नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना होगा उस पर बात नहीं बनेगी। बहन जी के आने के बाद उनके लिए सीटें छोड़नी पड़ेंगी, तो फिर एक नया फॉर्मूला क्या होगा उसकी भी अब चर्चाएं होने लगी हैं कि अगर आती हैं तो फिर क्या होगा। साथ ही अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आज़ाद को भी कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर के रहते हुए बहन जी इंडिया अलायंस में नहीं जाएंगी, और अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं गई तो विपक्ष के लिए बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासकर यूपी में, देश के उन हिस्सों में जहां बसपा का एक प्रभाव है, दलित समाज उनको बहुत इज्जत से देखता है, तो वो अगर वोट शिफ्ट हो जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ तो उनको काफ़ी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। ऐसे में सभी की नज़रें बहन जी के जन्मदिन यानी 15 जनवरी पर टिकी हुई हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उस दिन बहन जी क्या ऐलान करती हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन में जाएंगी या फिर वो अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान जो पहले कर चुकी हैं उसी को दोहराएंगी। ये अपने आप में एक बड़ी खबर होगी।
आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या बहन जी को इंडिया अलायंस में जाना चाहिए या फिर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? इस पर आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर लिखें। अखिलेश यादव में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं, उस पर भी आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।